मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, आप लोग का क्षेत्र एक ही है आसपास का पूर्णिया का, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मंत्री नहीं बने इसलिए आपको नाराज? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, हमको नहीं मंत्रालय बनाया, हमको कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उसको बनाया इसलिए इस बात की हमको नाराजगी है। अच्छा, ये जो नीतीश जी का निर्णय था कि बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ आना, ये आप सही निर्णय मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही निर्णय मानिए, मुख्यमंत्री जी लिए हैं और बिहार के जनता के हित के लिए निर्णय लिए हैं, और बिहार के जो विकास जो अधूरा था वह नई सरकार बनी है, नई उम्मीद जगी है, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो 15 अगस्त को घोषणा किए हैं 20 लाख जो रोजगार देने का, तो सभी पूरे बिहार में खुशी का लहर है, और हमारे माननीय तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों मिलकर के बिहार का विकास करेंगे। अच्छा अच्छा, ये मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक लेसी सिंह जो मंत्री हैं उन्हीं से आपको दिक्कत है, या जदयू कोटे के और भी कोई मंत्री हैं जिनसे आपको नाराजगी है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कोई आप आरोप लगाना चाहते हैं? और हमको किसी से नाराजगी नहीं है। और किसी से नाराजगी नहीं? नहीं। अच्छा, ये लेसी सिंह के बारे में शिकायत आपको कब से मिली, जो आप आरोप लगा रही हैं, आरोप है जो आप, कुछ प्रमाण है? बहुत दिन से आरोप जो है कि उस पर तो जो है बहुत दिन से है, लेकिन पार्टी का लोक लिहाज जो करके हम नहीं बोलते थे कि पार्टी का बदनामी होगा, इसलिए हम चुप रहे, लेकिन आप जो है ना सर से जो है पानी उतर गया है, आप बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से लगातार आप आरोप लगा रही हैं कि उगाही करती हैं, बहुत बड़ा आरोप है कि हत्या कराती हैं, हम प्रूव करवा देंगे, प्रूव करवा देंगे, कहिएगा तो सबूत ला करके आपके पास पेश कर देंगे, जिस तरह से वो जो है ना पूर्णिया में तबाह करके रखी है ना, हम ला करके सबूत दे देंगे। अच्छा, तो क्या लगता है कि इतना शिकायत अगर उनके बारे में, तो क्यों मंत्री पद पे बनी हुई है, किसी बड़े लोगों का सपोर्ट? वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी जानेंगे क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। अच्छा, कभी आपने उनसे मिलकर अपनी बात रखने की कोशिश? हाँ बिल्कुल रखे हैं, बहुत बार रखे हैं, बहुत बार कहे हैं, उनको तो लगता है कि दोनों में नहीं पटता इसलिए ऐसा शिकायत करते रहती है। अच्छा, पार्टी को ये लगता है कि आपस आप लोग में आपस की लड़ाई है इसलिए ये सब देते? हाँ, इसलिए हल्का में लेकर के रखते हैं। लेकिन जबकि नीतीश जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आपका आरोप बहुत गंभीर है उगाही का, और ये भी कहा जाता है कि अपराध को बर्दाश्त? मेरा ही रिलेशन का एगो था, उसके विभाग में पैसा नहीं दिया तो उसको घर में सेंटिंग पोस्टिंग करवा दिया, घर में बैठा दिया, जान गया खाली बीमा भारती का आदमी है, उसके घर पर गए थे आग्रह करने के लिए कि थोड़ा छोटा छोटा बच्चा है कर दीजिए, लेकिन नहीं किया, और नहीं देने के चलते जो है नहीं दिया पैसा, तो उसको जो है घर में बैठा दिया, खाली जान गया कि बीमा भारती का आदमी है, इसके चलते उसको प्रताड़ित किया। मतलब उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री, आपके लोग जो वहाँ भर्ती थे पोस्टिंग थे उनको घर बैठा दिया? घर बैठा दिया, अभी रो रहा है घर में, कहीं का नहीं छोड़ी, इसलिए जान गए कि आपके रिश्तेदार हैं, इसलिए ऐसा किया कर्मचारियों के? हाँ, इसलिए किया। अच्छा, और मंत्रालय में क्या क्या भ्रष्टाचार चल रहा है आपके नजर में? वो तो जाने वही सब क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है? अच्छा, सब दुनिया जानता है। अच्छा, ये आपकी बात नहीं मानी गई तो आप सीधा इस्तीफा करेंगे? एकदम करेंगे। फिर उसके बाद क्या निर्दलीय लड़ने का मन है या फिर बीजेपी से आरजेडी? वो बाद में हम बताएंगे क्या करेंगे। अच्छा, कितना दिन का अल्टीमेटम आप सीएम नीतीश को दे रही हैं इस्तीफा करने के लिए? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो है ना रिजाइन करवाइए, जो हम आपके दल से चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, विधायक के रूप में जीते हैं, अभी विधायक हैं जदयू का, हम जदयू के विधायक के पद से हम रिजाइन देने के लिए तैयार हैं, जहाँ नहीं उनको रिजाइन करेगा तो हम दे देंगे रिजाइन। अच्छा, लेसी सिंह के तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, वो शांत है? जो गलत करता है ना वो शांत ही रहता है। पिछले सर जब एनडीए की सरकार चली उसमें भी लेसी सिंह मंत्री थी, तो क्या उस समय भी इसी तरह का काम भ्रष्टाचार का होता था उनके मंत्रालय में? ऐसा ही होता होगा, पहले भी, पहले का बात तो हमने बताएंगे, अभी जो बात है वो उस पर आइए। अच्छा, और क्या क्या सबूत आपसे पूछा जाए, है आपके पास तो क्या क्या सबूत आप दिखा सकती हैं? हम जो कहिएगा वो करेंगे, हम सबूत देंगे, सबूत देंगे। अच्छा, हत्या का आरोप लगा रही हैं कि हत्या कराती हैं, तो बहुत ही गंभीर आरोप है, आप खुद जदयू की विधायक हैं, आपके पार्टी के कोटे की मंत्री, और आप हत्या कराने का आरोप लगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगाएंगे, वो करवाती है, जो उसके खिलाफ में बोलता है उसको हत्या करवा देते हैं, जिस दिन उसका वोटिंग था उस दिन पीट पीट करके जो है ना उसको हत्या करवा दिया। अब वहाँ पे पुलिस में आप शिकायत करती हैं इस मामले का? पुलिस भी गुलाम बना हुआ है ना, पुलिस क्या करेगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।